बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं आज एक अहम जो मैसेज है, अहम पैगाम है हम पाकिस्तानी भाइयों के लिए, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि हमारे कश्मीर डिस्ट्रिक्ट, सिंध डिस्ट्रिक्ट, घोटकी डिस्ट्रिक्ट, शिकारपुर और डिस्ट्रिक्ट रहीमयार खान का इलाका माचको, वहां से लेडीज वाइस पे काफी लोग अगवा हो रहे हैं। वो पंजाब से भी आ रहे हैं, बलूचिस्तान से भी आ रहे हैं और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से आके अगवा हो रहे हैं औरतों के चक्करों में। तो ये मैं आपसे शेयर करता जाऊं कि ये औरतें जो असल में आपको कॉल करती हैं कि ये औरतें कोई दोस्ती का आपसे बहाना बना के, ये बेसिकली हैं डाकुओं की रखी हुई। तो आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है तो उन्होंने आजकल व्हाट्सएप पे भी आपसे लाइव कॉल कर रहे हैं और इस पे फेसबुक पे भी आपको लाइव कॉल करके आपको दिखा रहे हैं कि वो औरतें भी सामने मौजूद हैं। तो वो बेसिकली औरतें जो है जंगल में बैठी हुई हैं, वहां उन्होंने ऐसे पेनाफ्लिक्स के अंदर कमरे बनाए हुए हैं। आपको ये महसूस होगा कि ये कोई शहर है, कोई बंगला है, लेकिन वो शहर बंगला नहीं है, वो बेसिकली देहात है और जंगल है। वो आपको बोलेंगे कभी हमारे साथ दोस्ती करो, ये करो, वो करो, हम आपको माला माल कर देंगे, हमारा शोर हमें वो टाइम नहीं देता। तो इतने तक के वो औरतें आपको ललचा के आपको इजी लोड भी पैसे करती हैं कि आप आए हमारे पास चक्कर लगाए। और उसके बाद ये औरतें कोई इतनी गंदी भी हैं कि वो उन आदमियों के साथ जिनके साथ इनके रबते होते हैं उनके साथ मिलने भी चली जाती हैं, क्योंकि ये डाकुओं की अपनी नहीं है, ये रखी हुई हैं, जिसमें हर कौम की औरतें रखी हुई हैं, जो पश्तो भी बात करती हैं, सिंधी भी करती हैं, बलोची भी करती हैं, सिराकी भी करती हैं, वो गलीज औरतें हैं, वो डाकुओं ने अपने पास रखी हुई हैं, उनको वो हर माह पैसे दे रहे हैं। तो वो औरतें उस बंदों के पास चली जाती हैं कि चलो हम आपके पास आ रही हैं, फिर उनके पास चल के एक दो दिन रख के फिर उनको दावत कर रही हैं कि भाई आओ अभी हमारे गांव में चक्कर लगा के आओ। तो वो बेचारा अगला यही समझ रहा है कि मेरी इसे दोस्ती होगी, जैसे वो आ रहा है तो उनको अगवा कर रहे हैं। रिसेंटली अभी काफी पंजाब से लोग आए हुए हैं, कुछ कोयटा से लोग आए हुए हैं, कुछ दूसरे इलाकों से आए। तो खुदा के लिए आप इस चीज को मैसेज को समझें, और ये जो औरतें हैं ये बिल्कुल डाकुओं की रखी हुई हैं, और आपको बोलेंगे कि आ जाएं, ये है वो है, हम आपको माला माल कर देंगे, फला कर देंगे। तो आप इसके इसमें चक्करों में ना आए। और इस चीज पे आपको पता है कि पहले ही काफी पुलिस का नुकसान हो चुका है, पुलिस के डीएसपी अफसर के शहीद हो चुके हैं इन चक्करों में। तो आप इस डाकुओं के औरतों के चक्करों में ना आए। और सबसे ज्यादा मैं आपको सब दोस्तों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जब जितना शेयर होगा तो इस लोगों को मैसेज जाएगा कि वो इस चीज से परहेज करेंगे। और आप ये भी सोचें कि इस आपकी गलत हरकत की वजह से कितनी पुलिस परेशान हो रही है और आपके बच्चे, बीवियां, माँ बाप परेशान हो रहे हैं, आप खुद परेशान हो रहे हैं। शुक्रिया, मेहरबानी।